कहाँ गया है? सुरे सुरे सप देश हमारा, सुने सुरे सप देश हमारा, सुने सुरे सप देश हमारा, सुने सुरे सप देश हमारा, राम ही सेवक परम सुरेश उपदेश हमारा, राम सेवक परम प्यारा। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध रसायन का, भगवान का कोई अपराध करे तो वो नाराज नहीं होते हैं। भगवान तो केवल अपने सेवक पर आधारित रहते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक देर भगवान मानत सुख सेवक सेवकाई। भगवान के भक्त की कोई सेवा करता है तो भगवान बहुत सुख मानते हैं। ओ सेवक बैर बैर अधिकाई, अगर कोई भगवान सेवक से बैर करता है तो वो भगवान का सबसे बड़ा बैरी दुश्मन हो जाता है। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर अपराध भगत कर करही, और राम रोष पावक में जरही। अगर कोई भगवान के भक्त का अपराध करता है तो भगवान की क्रोध अग्नि में जल करके वो भस्म हो जाता है। महाराज कहीं आप कपिल मुनि तो नहीं है? कहीं आप दत्तात्रेय तो नहीं है? शुक्ल मुनि तो नहीं है? आप कौन हो महाराज? भरत ने कहा, राजा मैं भरत हूं। तुम कहां जा रहे थे? मैं ज्ञान लेने के लिए जा रहा था। का यही ज्ञान लेने का तरीका है? घटक बीच समंदर है भगवान, इसी के अंदर है हर घटक भीतर Thank you.
बाजे इस में बजते अनहद बाजे इस में बजते अनहद बाजे इस मंदिर में चौदर बाजे इस में बजते अनहद बाजे इस मंदिर में चौदर बाजे इस में बजते अनहद बाजे यहाँ जल की ज्योत निरंतर है भगवान इसी के अंदर है यहाँ जल की ज्योत राम और श्याम इसी में रहते वेद पुराण सभी ये कहते राम और श्याम इसी में रहते जिसकी दृष्टि सब सब और भगवान को ही देखे ईश्वर माय देखे और कहा हे रघुगण ये संसार है ना ये जंगल है। भरत ने राजा रघुगण को भवाती का प्रसंग सुनाया। रघुगण से कहा ये संसार एक जंगल है, जंगल भवाती है। करी मैं
भगवान ने अपनी सुख सुविधाओं को संयम में रखने के लिए धर्म और मर्यादा और बनाए, वर्ण बनाए, अपनी व्यवस्था को संभालने के लिए बनाए, द्वेष के लिए नहीं, ईर्षा के नहीं लिए, घृणा के लिए नहीं, जात पात धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन समुदाय सब तज रहे तुम्हें लवलाई और तिनके हृदय बसे रघुराई। जातियों को लेकर के बैठे हैं, अपने आप को विद्वान समझ करके बैठे हैं, जिनके अंदर में कूट कूट करके अंधकार भरा है, अज्ञान भरा है, द्वेष भरा है, घृणा भरी हुई है, वो विद्वान हो सकता है, वो सज्जन हो सकता है? जिसमें जातिवाद भरा हुआ है, अरे वो तो किसी काम का नहीं है। उसके अंदर मानवता मर गई, जिसके अंदर से मानवता मर जाए, अरे काय की जाति, काय के धर्म, एक मानव धर्म है, मानव तो बनो, मनुष्य के लक्षण तो आए, मनुष्य के गुण तो आए, ये तो पशुता है, मानवता नहीं। सदैव घमंड में अहंकार में रहते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। अरे जो बड़ा होता है, जिसमें विद्या ददाती विनय, विद्वान उसे कहते हैं जिसके अंदर विनम्रता आ जाए। जिस वृक्ष में फल आता है ना, वो फल झुक जाता है, वो वृक्ष झुक जाता है, और जिसमें फल नहीं होता वो ऊंचा उठा रहता है। यदा नहम तदा मोक्ष हो, यदा हम बंधनम तदा, जो कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं बस यही मोक्ष है, जो कहता है मैं हूं यही बंधन है, यही अज्ञान है। भगवान के भक्तों ने सदैव अपने आप का अस्तित्व मिटा दिया। सबरी ने कहा महाराज मैं कुछ नहीं हूं, अधम अति अधम, अधम अति नारी, तिर्मेव मैं मति मंद। जो जानकार होता है, ज्ञानवान होते हैं, वो कभी अभिमान नहीं करते, वो मान नहीं चाहते। मानस ज्ञान पानस लाजा, जो मान सम्मान चाहता है, मान सम्मान ही रहता है, वहां तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। आदमी जाति कोई नहीं है, जाति से कोई मान नहीं होता, कर्म से मान होता है। संसार में कर्म की पूजा है, चरित्र की पूजा है, चित्र की पूजा नहीं। कोई भी जाति में ऐसा कोई नहीं है जिसमें सब काम नहीं है रहे हो, कोई परिवार कोई समाज ऐसा नहीं है जिसमें सब काम नहीं है रहे हो। अपने अंदर झांक के देखें, अपने परिवार में झांक करके देखें कि कर्म क्या क्या हो रहे हैं, अपने आप को बड़ा कहने वाले, अपने अंदर ही झांक के देख लें। सभी समाजों में, सभी परिवारों में, सभी घरों में और सबके अंदर गुण अवगुण सबके ओर रहे, सुमत कुमत सबके ओर रहे, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए पे परिहरि बार विकार। जड़ और चेतन से संसार की रचना ही करी भगवान ने। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, अच्छे से अच्छा हो उसमें भी अवगुण होता है, बुरे से बुरे भी कैसा भी हो उसमें भी एक गुण होता है। संसार में आपस में ये विद्वान बनते हैं, इन्होंने समाज को बांट दिया, ये ठेकेदार बन करके बैठे हैं ना, ये अपने आप को बड़ा बना करके और अज्ञानता फैलाते हैं। उनके अंदर मानवता तो है नहीं, पशु से भी गए भी थे। आज यही द्वेष की अग्नि, घृणा की अग्नि आपस में सबको अलग अलग जला करके सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जो व्यक्ति सबका है वो ही श्रेष्ठ है, और जो व्यक्ति किसी का नहीं है वो तो किसी का नहीं है। जो व्यक्ति मतलब का है, स्वार्थ का है, एक बात बताओ, भगवान ने धरती को सबके लिए बनाया, कोई एक जाति विशेष के लिए? अनाज सबको बनाया,
पानी सबके लिए बनाया, हवा सबके लिए बनाई, तुम्हारा सब ये खाना पीना फल फूल सबके लिए बनाया, किसी एक के लिए नहीं बनाया। मान सम्मान देने से प्राप्त होता है, पदवी पद किसी के नहीं है, योग्यता के अनुसार प्राप्त होता है। जिसमें योग्यता है वही उसके काबिल होता है। विद्वान की, संत की, राजा की कोई जाति नहीं होती। श्रीमद भागवत की कथा तो सूत्र से ही आरंभ होती है, सूत ऋषि से। नेमसारण्य में 88,000 ऋषियों ने सूत को गादी दी, गादी पर बैठाया। इस भागवत में वेद शास्त्र में जो लिखा है, पर वेद शास्त्र देखे कहां है उन्होंने? 88,000 ऋषियों ने सूत ऋषि से कथा सुनी, सुनकर ने प्रसन्न किया। हर चीज को अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण भगवान ने तो ये कहा कि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जाति से, पाति से, धन धर्म बढ़ाई, कुल परिवार, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। हर को भजे सो हर को होई, और जात पात पूछे नहीं। भगवान का भजन तो करते नहीं, अध्ययन तो करते नहीं, करते हैं तो उन्होंने केवल धंधे का माध्यम बना लिया, धंधे का माध्यम बना लिया। उनको दुख इसलिए होता है कि हमारा धंधे में कमी आ रही है। अगर ज्ञान होता तब नहीं कहते। मुक्ति का उद्देश्य संबंध ज्ञान से है, कोई व्यक्ति से नहीं है। मुक्ति का संबंध ज्ञान से है, किसी व्यक्ति से नहीं है। प्यास का संबंध पानी से है, किसी कुआ दे टंकी दे तालाब से नदी से नहीं है। प्यास को तो पानी चाहिए, चाहे कुएं का हो, चाहे हैडपंप का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे नदी का हो, कहीं का हो। मुक्ति का संबंध ज्ञान से है, कहीं से भी मिल जाए। मत की रत गत भूत बनाई, और जब जय जतन जहां जय पाई। और अज्ञानी कहते ना, हम ज्ञान कौ प्रति लेना सकते, अपने बड़े ने प्रति लेने, और बड़े ने जानता था ना, बड़े को जानते नहीं, वो अपने आप में ही बड़े बनते हैं, वो समाज को बड़ा मानते हैं। हमारी समाज को ही मिले, डॉक्टर अगर बीमार है या तो समाज को तलाशेंगे, समाज के डॉक्टर पे जाए कि पता लगे यार, तो बड़ो डॉक्टर को वो समाज को भय तब जी देख लेंगे कि अच्छो डॉक्टर हो तापे चले, फिर समाज को नहीं तलाशेंगे। कछु बात हो तो नेता के हो, राजा हो, नेता हो, कोई हो, अच्छो हो ताके पास जाए, वकील अच्छो हो ताके पास जाए, नहीं देखेंगे समाज का हो। मीरा भाई छत्राणी थी, रैदास को गुरु बनाया। ज्ञान जिसके पास है वो योग्य। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मणों का गुरु सन्यासी होता है। सन्यासी का गुरु तो केवल अविनाशी है, पर वो मानते ही नहीं। माने तो तब जाने, तब जाति बाद कूट कूट के भरा है, घृणा द्वेष ईर्षा कूट कूट के भरा हुआ है। काय के बड़े हो, बड़े में जय लक्षण होते हैं। बड़ा तो वो होता है जो सबके ऊपर छाया करता है, दया करता है, बड़ा कर्म से होता है, चरित्र से होता है, चरित्रहीनता से नहीं, कर्म से होता है, कर्महीन से नहीं। आपस में बैर भाव, तुलसीदास ने रामायण में वंदना की है, बंदो प्रथम ईश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। जो मोह को हरने वाले हैं, संशय को हरने वाले हैं, आई तो मोह और संशय के भी खुद ही गर्भ नहीं बैठे, खुद बिन के हरण है ना रहे।
वेदों को बेच रहे हैं, धर्म का दोहन कर रहे हैं, सब काम उल्टे कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा मानते हैं। ये ज्ञान नहीं होता। भगवान ने कहा सवरी से सवरी, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, कहे रघुपति सुन भा मेरे बाता, और मानो एक भगत करना। तुलसी जा संसार में सवई से मिलियो धाय, ना जाने का बेस में नारायण मिल जाए। भगवान सबके अंदर है। भगवान ने तो कभी कोई गड़ा की नहीं, सवई के झूठे बेर खाए, निषाद को अपना मित्र माना, श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन ज्ञान तो वो है जो सबको एक माने, सबके अंदर भगवान को देखे। यत्र यत्र मनो जाती तत्र तत्र माधवा, जिस दिश दृष्टि ओर जाए उस ओर केवल भगवान ही दिखाई दे। और जिसके अंदर में अज्ञान है उसे कुछ नहीं दिखाई देता। अगर ज्ञान लेना है तो ये संसार रूपी जंगल से निकलो, इस भवादी से निकलो, सबका संग छोड़ो, अकेले होकर के घूमो। ना ते तुम्हें देहो ना ते देहो करता भुक्ता नवा भवानम, चिद्रूपी अपे सदा साची नरपेच सुखम चरा। तू तो स्वयं चेतन है, ये शरीर तेरा नहीं है, तू शरीर का नहीं है, तू करता नहीं है, तू भोगता भी नहीं है, तू तो स्वयं चैतन्य है, स्वतंत्र होकर के विचरण करो। रघुगण ने भरत जी को प्रणाम किया और कहा प्रभु आपने मुझे ज्ञान दिया, इस जगत रूपी जंगल से निकाला और प्रणाम करके नमो महादयोस्तो नमः, शिशुभ्यो नमो योभ्यो नमः, आवटोभ्यो ये ब्राह्मणाहं गाम वधूतलिङ्गाशरन्ति तेहे शिवमस्तु राज्ञः। न जाने ब्रह्म व्यक्ता लोग किस रूप से घूमा करते हैं, अपने आप में पूर्ण होकर के और संसार में विचरण करते हैं। सिंधु देशाधिपति रघुवर राजा ने मान और अपमान को समझाया, कहा हे राजन सब सृष्टि को ब्रह्म में देखो। ज्ञान मान जा एक उनाई, ज्ञान ना मान कुछ नहीं। देखे ब्रह्म समान सब माय, सब ब्रह्म में देखे तब पक्का ज्ञान होता है।
आत्म ज्ञान करो, अपने अंदर झांक करके देखो, जिसको आत्म ज्ञान हो जाए, यस्मिनम विज्ञातम सर्वमिदम विज्ञातम भवति, फिर संसार में कुछ जानवे के काय नहीं रहते। इस संसार में हर जीवन है, हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में, हर योनि में जन्म लिया है। ऐसी कोई योनि नहीं जिसमें जीव गया नहीं, लगभग 84 भोग भोग करके मनुष्य योनि में आया, तो सब योनियों में गया, कीड़ा मकोड़ा बना, पशु पक्षी बना, वृक्ष बना, हर जाति में गया, हर परिवार में गया, हर घर में गया, जीव को अनादि काल से जन्मता मरता हुआ आ रहा है, अनेक अनेक योनियों में सब पर घूम में घूम करके आया, किस योनि में नहीं गया, क्या नहीं बना। रामायण में कहा गया है, सब कर देखे, सब कर देखे जन्म गुसाई, सब कर देखे जन्म जैसा अब मुझे सुख हुआ है, वैसा कभी किसी योनी में पैसे वाला बन करके देख लिया मैंने। सब कर देखे जन्म गुसाई, भय न सुख अवय की नाई। इसलिए ज्ञान जरूरी है, भक्ति जरूरी है। मनुष्य को जीवन में अगर ज्ञान है तो सब कुछ है। जिसके अंदर में ज्ञान है तो वो पाप और पुण्य में अंतर कर पाएगा, अच्छे और बुरे में अंतर कर पाएगा। अगर ज्ञान ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। व्यक्ति तो विषयों में फंसा हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जैसे एक व्यक्ति एक झोड़ा में चला गया, कुआं में, जो वैसे रती पड़ा हुआ था, और जैसे झोड़ा में गिरा उसमें कछु ऐसे पेड़ उग आते हैं, बगली में पेड़ों से ढक जाता है, उसने रास्ते में पेड़ों को पकड़ लिया जो बीच में उग जाते हैं, उसमें लगे रहते हैं, और जब जैसे ही वो झोड़ा में गिरा, आधे रास्ते में वो उन्होंने एक जड़ को पकड़ लिया, ऊपर जो घास होता है ईश हो जाती है, ऐसे गले रू खड़े हो जाते हैं। अब नीचे को देखा तो नीचे बहुत बड़ा अजगर मुंह फैलाए बैठा हुआ था, ऊपर को देखा तो ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता था। जैसे वो गिरा उसमें से लकड़ियों से हिलने से उसका जो सेंत है वो फूट गया और सेंत टपकने लगा, ऊपर से बूंदे आ रही मुंह पे पड़ रही और सेंत चाटने लगा। नीचे को देखा तो अजगर बैठा है मुंह फैलाए। मनुष्य अजगर की चिंता न करते हुए बस वो सेंत की विषय रूपी जो सेंत है उसको बस स्वाद लेता 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 लेता, और उस जिस डाली से वो लटका हुआ है उस जड़ को एक कारी और एक सफेद जो चूहे होते हैं आकर के उसे काटने लगे। काला और सफेद चूहा दिनों और रात है। जो झोड़ा है कुआ है वो संसार, संसारिक कुआ है, इसमें जीव लटका हुआ है, विषय रूपी
श्वेत की बूनों को चाट रहा है, नीचे काल रूपी अजगर खड़ा हुआ है। जिस दिन जे अपने दिन और रात रूपी जो अपन जो डाल पकड़े हैं, जो सांसा रूपी डाल को पकड़ करके अपन लटके हैं ना, एक दिन सांस रूपी डाल को रात दिन रूपी चूहे काट देंगे। जिस दिन श्वास कट जाएगी उस दिन काल रूपी मगर के मुख में चले जाए, काल रूपी अजगर के मुख में चले जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन इस कुएं से बचना है, इस कूप से बचना है, इस भवसागर से बचना है तो भगवान का गुणगान करो, भगवान का भजन करो, किसी के अधिकार को छीनो मती, किसी को सताओ मती, किसी को दुख मती दो। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। रघुवर ने कहा, प्रभु अब मुझे क्या करना चाहिए? भरत जी कहने लगे, करना क्या है? बोले हरि बारंबार, हो बोले हरि बारंबार, तेरी बिगड़ी बन जाएगी। बोले हरि बारंबार, तेरी बिगड़ी बन जाएगी। बोले हरि बारंबार, तेरी बिगड़ी बन जाएगी। ओ जय बंसीवाल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी। बोले हरि Thank you.
बोल वृंदावन जय हो। स्वर अपने डर के मारे भागे और वो पीछे भागे। एक नाथ वो हार गए, हार करके फिर कुत्ता खड़ा हो गया। कहा प्रभु एक शुद्ध कर दंडो, घी लगा दंडो और तुम खा लिया। और वैमते भगवान प्रकट हो गए। भगवान भावों में बसते हैं। ना काठ में बसते हैं, ना पत्थर में बसते हैं, भगवान भावों में बसते हैं। जिसके अंदर जैसा भाव हो बस भगवान भाव पर आधारित है। भाव वश्य है भगवान। अपन मूर्ति में भाव लगाते हैं, मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं। अपन माता पिताओं में भाव लगाते हैं, माता पिताओं से प्रकट हो जाते हैं। पति में ध्यान मन लगाते हैं, भाव लगाते हैं, तो पति में भी परमात्मा है। जिसकी दृष्टि मान जाए कि इसमें भगवान है, बस वही भगवान है। भाव जिसका बन जाए, भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। रघुगण को ज्ञान दिया, भरत चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा आ गए, प्रिय व्रत के वंश का वर्णन किया। खंड उन्होंने खंड बनाए, उनका वर्णन किया। दीप बनाए, समुद्र बनाए, उनका वर्णन किया। समुद्रों को सीमाएं दी और ग्रहों का ज्ञान बताया। जितने ग्रह होते हैं उतने नक्षत्र होते हैं, ज्योतिष विद्या का ज्ञान दिया। अंत में स्वर्ग और नरक नरक का वर्णन किया। हे राजन, जिस किस किस काम को करने पर मनुष्य को नरकों की प्राप्ति होती है, वो सब सुनाया। नरकों का अपन को भय नहीं है कि हम जिस काम के करने से हमारा कितना नुकसान होगा, हम कहां जाएंगे। पैसा आवे कवन विधि, करियो सोई उपाय, धर्म रहे के जाए, नरक परे को डर नहीं। पैसा आना चाहिए, कौ तरीका से आना चाहिए, धर्म रह के चलो जाए, नरक परे को डर ना रहे। इंसानियत कमाना बड़ी मुश्किल है, इंसान बनो। मानवता के गुण आए, मानव बनना ही बहुत कठिन है। अच्छा कहो बैलते कहो, कहिए तो मैंने बैल बने, बैल बने। वैसे तो कहिए तो मैंने कहूं भैंस बने, भैंस बने। आदमी से बार बार कहना पड़ता है, अरे मांस बने, मांस बने। आदमी बने भैया ने कहा, आदमी बने। पर कबो कछु कह ले बने में को सको काम ही ना। जिस चीज का अपन को संसार में जीने का ज्ञान ही नहीं, ढंग ही नहीं, घर परिवार में रहने का ढंग ही नहीं, गद्दी पर बैठ करके तो कहती है बस दैव कुटुंबकम,
सर्वे भवन्त सुखनया सर्वे संत नरामया सर्वे भद्राण भक्षन्तो मा कक्षितम दुख भाग भवेतम। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब निरोगी रहे। और मन आज क्या कहता है कि भला हो तो केवल मेरा ही हो, कल्याण हो तो मेरा ही हो है? जिसकी नियति सही है तो विकास होगा और नियति सही नहीं है तो विनाश होगा। अपने पथ का पतन का कारण कोई और नहीं, अपने ही है। अपना धीरे धीरे पतन हो रहा है, इसके जिम्मेदार खुद अपने ही है। अपना स्वयं का पतन हो रहा है, इसके जिम्मेदार अपने हैं। समाज का पतन होता है, जिसकी जिम्मेदार समाज है। परिवार का पतन होता है, इसका जिम्मेदार परिवार है। अपनी कमियों को खोजें, निकालें और विनाश के मार्ग से हट करके विकास के मार्ग पर जाएं। पर विकास का मार्ग तो तभी होगा जब नियति सही होगी। जैसे पक्षी दो परों से उड़ता है, ऐसे ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य की दो पर हैं, परिश्रम और पुरुषार्थ। जिसके अंदर परिश्रम और पुरुषार्थ दोनों हैं, वो अपनी बहुत ऊंचाई पर जा सकता है और लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। परिश्रम नहीं है तो कुछ नहीं है, और पुरुषार्थ है, परिश्रम नहीं है तो कुछ नहीं है। परिश्रम भी होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, कमाना भी चाहिए और पुरुषार्थ भी होना चाहिए। कल कहा था सत्य बोलो, भगवान का भजन करो, सत्य बोलो। अगर आज नहीं तुमने सुना, जीवन भर नहीं सुना तुमने, तो अंत में तुमको यही सुनना पड़ेगा कि राम नाम सत्य है। और सत्य बोलने से ही गति है, नहीं तो कुछ नहीं है। पर जिंदगी में नहीं सुनोगे, जब जिंदगी में नहीं सुनाई पड़ रहा तो मर करके कौन सुनेगा? तुम्हें घर परिवार में रह करके, ऐसा नहीं हो जंगल में जाने पर ही तपस्या हो, घर में भी तपस्या कर सकते हो। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य के बराबर तपस्या नहीं है तो फिर सत्य बोल करके तपस्या क्यों नहीं करते हो भैया? आसन लगाने की जरूरत नहीं है, समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। और झूठ बराबर पाप, तो झूठ बोल करके पाप क्यों कमा रहे हो? जब पुण्य ना है रहे हो तो पाप मत कमाओ। जब सत्य नहीं बोल सकते तो झूठ मत बोलो। किसी का भला नहीं होता तो बुरा भी मत करो। भगवान का गुणगान करना है, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें जंगल में जाना है, कपड़े पहनने हैं, तिलक छापे लगाने हैं, नाना धोना है, जैसा तुम पे बने ऐसे करो। कहा गया है काम करते रहो, नाम जपते रहो, 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 काम करते रहो, नाम जपते रहो। हरि गोविंद गोपाल गाते रहो, 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 काम करते रहो, हरि वो काम करते रहो, नाम जपते रहो। Thank you.
मन तो तुम्हारा चिंतन करेगा, कछु ना कछु तो तुम सोचोगे, कछु ना कछु तो गुनगुनाओगे, चाहे कहो तो गालियां दोगे, चाहे कहो तो लड़ोगे भिड़ोगे, कछु ना कछु तो तुम सोचोगे। तो काम करते अगर अपन कोई और चीज सोच रहे हैं ना, तो क्यों ना भगवान का ही गुणगान किया जाए, भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का ही स्मरण किया जाए। महाराज परिचित ने कहा प्रभु, क्या भगवान के नाम से पाप छूट जाता, उद्धार हो जाता है? सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान का नाम ही एक ऐसा है जैसे कितनी भी रुई हो, कितनी भी कचरे का ढेर हो, बाकी एक काड़ी बस पर्याप्त है, एक काड़ी लगा दे और सब सुप्रसन्न। कहा गया है, जा सो नहा सो में रे एक बारा, जा सो नहा सो में रे एक बारा। उस देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, परंतु वो वेश्या का पति था, दासी का पति था।
सर्वदा दासी की संगत से दूषित होने के कारण उसके सब सदाचार नष्ट हो गए, नियम संयम धर्म कर्म सब भ्रष्ट। अब सब भ्रष्ट ही है गए तो भैया काय को ब्राह्मण, और ये सब होता कैसे है? संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, भास पास योरो मिश्री एक ही भाव बिकाय। जो जैसी संगति करे तो तैसो फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुण तीन। जैसे शांति नक्षत्र की एक बूंद होती है, अगर वो केला में पड़ गई तो कपूर बन जाएगा, अगर वो सीप में गई तो मोती बन जाएगा, अगर वो सर्प के मुख में गई तो मणि बन जाएगा। बूंद एक ही है, जैसी संगत तैसा फल। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन जल देखे स्वच्छ उपजे, माला देखत राम, अस्त्र देखत बद उपजे, सोनारी देखत काम। अच्छो निर्मल पानी देखेंगे ना तो मन में बड़ी पीने की, आचमन की, हाथ पैर धोने की, नहाने की मन में जिज्ञासा जागती है। और अगर माला दिखाई दे गई तो भगवान का भजन करने की याद आती है, अरे अच्छी माला है, भगवान का स्मरण होता है, ये होता है, वो होता है। अस्त्र देखत बद उपजे, को बढ़िया मा हथियार दिस जाए ना, आहा ऐसो को मैं हाथ लग जाए ना तो हूँ ढेर लगाए जाऊ मार मार के ना। और नारी देखत का, स्त्री को देखते ही काम वासनाएं मन में जागृत होती है। इसलिए ये अजामिली एक बार जंगल को गया समिधा लेने के लिए। जंगल में एक ऐसे ही व्यभिचार होते हुए देखा, बस देखते ही उस स्त्री से जाकर के मिला और उसी के साथ में रहने लगा। वो बेशक के साथ में रहने लगा, श्री परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु फिर क्या हुआ? उसकी जो पत्नी थी, घर बड़ी सुशीला थी, साध्वी थी, पति अधर्मी हो गया, पापाचारी हो गया, चोरी करने लगा, डकैती देने लगा, लूट मार करता था, उसका ये काम हो गया, मदरा पार करने लगा, जुआ खेलने लगा, सब व्रतियों में लग गया। एक बार संतों की टोली वृंदावन को जा रही थी और रास्ते में भगवान का गुणगान करते करते जा रहे थे। हो मन भजले सीताराम, हो मन भजले सीताराम, अरे मन बाबरिया। Thank you.
दांत घिसाई तो चाहिए मांगने के काये तो बेटे कर मणि आगे पर सब कुछ महात्मा रे कहा जा मिल हम पैसा ना मांग रहे तो का मांग रहे हम तुमसे एक वचन लेंगे बोलो
पैसा ना मांग रहे तो बोलो क्या मांग रहे। तुम्हारी जो पत्नी है वो गर्भवती है, हाँ सो वो बालक हुए ना तो बा को नाम नारायण रख दी। अजामिल ने कहा ये तो हमारी सातों सागते है यारो, हमारे तो परिवार में पहले सब को रामदास को गंगादास को भगवान के नाम पे ही नाम रखे जाते, पहले टिंकू भिक्कू जी नहीं धरे आते हा? चलो कोई बात ना रख दे। और अपने पुत्र का नाम नारायण रखा कि जाके माध्यम से ये राम का नाम लेता नहीं है तो भगवान का नाम तो लेगा। टाइम है गए ज्यादा ना जलपान कर लो ताकि बाद में फिर हर बात पर नारायण आ जा। नारायण भोजन पा ले, नारायण ले पानी पी ले, नारायण चलो सैर करें, नारायण चलो स्नान करें। बिना अपने पुत्र के वो कुछ नहीं करता, सब काम पुत्र को लेकर के करता था। नारायण आया भोजन करें, सब कुछ नारायण में हो गया। कहा जाता है तो मह निवेदिता भोजन कर भोजन कर रही। व्यक्ति का नियम बनता है, जीवन का एक काम होता है, एक स्वभाव होता है। भक्त क्या करता है, भोजन करता है तो भगवान का भोग लगा करके करता है। अपन जो भोजन पाते है ना, थाली आई सामने अवश्य लग पड़े, अरे कम से कम बात थाली को हाथ जोड़ करके अर्घ दे करके भगवान को अर्पण कर दे तो क्या बिगड़ जाएगा। खाओ, दुकान पर से तुम कितनी मिठाई लेकर के आओ, खाओ मिठाई है। अगर उस मिठाई को तुमने भगवान के सामने रख दिया तो वो प्रसाद में परिवर्तन हो जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद खाने से मति शुद्ध होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अपन जो भोजन करते हैं भगवान को अर्पण करते हैं, हे गोविंद भोग लगा। अपन कोई वस्त्र पहने ना तो भगवान को अर्पण कर दो, अर्पण करके और फिर पहनो। तो मैं निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। अब तो भगवान का प्रसाद ही समझ करके वो लेता था, हरेक काम में नारायण भोजन करेंगे, नारायण स्नान करेंगे। बिना राम के नाम के, बिना नारायण के सिवा तो वो कुछ नहीं, उसके जीवन में नारायण ही नारायण बस गया। मंत्र राज नित जपे तुम्हारा और पूजे तुम्हें सहित परिवार। भगवान के नाम का जाप,
करते करते कुछ समय आया। एक दिन रात्रि में अजामिल सो रहा था, सपन देख रहा था। आज हम तुम ये भी सपना है, ये भी एक अवस्था है, एक सपन बताइए। यानि सा सर्वभूतानि तस्य जाग्रत संयमी, यस्य जाग्रति भूतानि सानि सा पश्यतो मुनि। जो अपना दिन है वो योगियों के लिए रात्रि है, और जो अपनी रात्रि है ना वो योगियों के लिए दिन है। अपन काम करते हैं श्रद्धा से नहीं करते हैं, धर्म में नहीं करते हैं, भगवान से जुड़ करके नहीं चलते हैं। हर काम राममय होना चाहिए। महात्माओं के भंडारों में जाते हैं, जो परोस करते हैं ना, उनके हाथ में जो होगा उसके पीछे नाम राम लगाएंगे, रोटी राम, दाल राम, टिक्कर राम, जो कछु लगाएंगे ताकि आगे राम लगाएंगे, रोटी राम, टिक्कर राम, दाल राम, जो कुछ चाहिए ताकि पीछे राम, और राम जी सबके पीछे राम। अपनी हर बात में राम लग जाए और ये अपना स्वभाव बन जाए, अपना स्वभाव बन जाएगा तो समझ लो कि हमारा अंत समय पर राम का नाम हमारे मुख से आ जाएगा। अगर स्वभाव नहीं बदला, रोज राम 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 सीता राम करवे करें, और जब रात्रि सो जाए और सोते फिर अपन करवट लेते हैं तब कहते हैं हाय राम, तब समझ लो कि सही है। और करवट लेते थे हाय भैया, हाय मैया के हाय। अपने सोते समय करवट बदलने पर भी राम निकले, दुख में भी राम निकले, अपने हर स्थिति में राम निकले, तब समझ लो अपना स्वभाव बन गया। तो अंत समय पे अपने मुख से राम का नाम निकलेगा। और दिखावटी वैसे कर रहे हैं मन में कछु तो नहीं निकलेगा। अंत में राम का नाम आ गया तो गति अंत भला तो सब भला। एक बूढ़ा आदमी था, मरने को धरा, कछु कैच आ रहे पर कभी नहीं आए रहे। बाकी दो बेटे थे, एक बड़ा सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राम का नाम ले रहा हो और राम का नाम आ नहीं रहा, अगर वो एक राम को नाम ले जाए तो उद्धार हो जाए पिताजी का। छोटा वाला सोच रहा हो कहूँ ऐसा तो ना हैरो का कर रहा है, कहूँ बकस तो ना गड़ो खेदो तय बताए कि कह रहे हो हाँ बा में माल कठैया गड़ी हो बताए कि कर रहे हो और बता नहीं पा रहे हो। दोनों ने विचार किया, वैद्य को बुला करके ला लाए। बाने कही भैया हम जाको इलाज तो कर देंगे, और इतने के इलाज कर देंगे कि ज्यादा से ज्यादा एक शब्द बोले पावे को बस। बड़ा सोच रहो कि तू तो पैसा ले ले भैया, बस वो एक बार राम तो कह दे और उद्धार रह जाओ। छोटा बाप कह रहे तू पैसा ले ले, बस बुझो तो कह दे कि बगस फेंगड़ हो और बस छुट्टी। बाने अपनी दवाई दई पैसा ले, और जब बोलियो तो पिताजी का बोले मेरी तरफ का देख रहे हो वो बचड़ा झाड़ू को खा रहा है, और बचड़ा झाड़ू करते गए। अंत में मती काई काई में गई बचड़ा झाड़ू में बचड़ा। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। अंत में मती बन जाए, स्वभाव बन जाए, अजामिल का स्वभाव। नारायण आ भोजन करें, नारायण आ स्नान करें, ऐसा स्वभाव बन गया उसके जीवन का। स्वप्न देख रहा था, स्वप्न में
यमराज के दूत आए। आजा मिल देखा बड़े भयानक दूत है, पास में नारायण खेल रहा है। आजा मिल आवाज दे रहा नारायण, नारायण बचा, नारायण बचा, नारायण नारायण आ जल्दी, नारायण बचा, नारायण 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 नारायण, गहरी अंदर आत्मा से नारायण बचा, नारायण बचा। पुत्र को बुला रहा नारायण बचा, नारायण बचा। यत्र नारायणं परायणं, नारायण का नाम लेता, जैसे ही नारायण का नाम लिया नारायण बचा। भगवान नारायण ने अपने दूतों को भेज दिया, जाओ आजा मेरे को बचा। यमराज ने दूतों को रोक दिया, रोको ये क्या कर रहे हो। यमराज के दूतों ने कहा आप कौन है। उन्होंने कहा हम नारायण के दूत हैं, क्यों आए हो। ये हमारे स्वामी को पुकार रहा है बचाने के लिए, इसलिए हम मदद के लिए आए हैं, तुम कौन हो। उन्होंने कहा हम यमराज के दूत हैं। तुम्हें पता है इसने आजीवन पाप किए, इतने पाप किए कि ये नरक गामी है, इसने कोई पुण्य नहीं किया, वो तुम्हें से बचाने के लिए आए। भगवान के दूतों ने कहा अरे यम के दूतों, ये हमारे स्वामी को बुलाया, ये हमारे स्वामी का नाम ले रहा था नारायण। यम के दूतों ने कहा ये अपने पुत्र का नाम ले रहा था। भगवान के दूतों ने कहा तुम्हारी मति मारी गई, नारायण किसका नाम है, नारायण नाम किसका है, इसके पुत्र का, इसका पुत्र कितने दिन का है, नारायण का मतलब क्या होता है। नारायण नाम तो हमारे स्वामी का अनादि का है, और नाम पक्का तो उनका है, संसार बचा कोई रख ले, को नारायण नाम रखे थे नारायण नहीं हो जाएगा। हा? नाम तो भले होता सिंह धरती हो ला बास लंपके सी ना का है रवा, नाम तो धरती धनी राम और मांगा तो पहन रहे। ये नाम तो हमारे स्वामी नारायण का है, और नारायण का अर्थ होता है नार मारे जल आयन मारे घर, जिसका जल में घर है वो नारायण। यम के दूतों ने कहा इसने पाप किए, उन्होंने कहा इसने भगवान का नाम लिया है, नाम की महिमा जानते हो, नाम की महिमा जानते हो, कितने भी पाप किए हो कितने भी पाप किए हो, भगवान ने तो कहा कोटा बे प्रबद लाग जाए, आए
प्रबद लागे जाए आयो शरण तजो नहीं ताए। शर्म को हो जीव मो जवही और जन्म कोट अगनाश है तब है। भगवान के नाम नाम ले तब वसुंद सुखाई करिए विचार सुजन मन माई जाकर नाम मरत मोकयावा जाकर नाम मरत मुकयावा आदम मुक्त हो स्मृति गावा। जिसका नाम मरते समय आए कैसा भी पापी हो मुक्त हो जाता है। आदम मुक्त हो स्मृति गावा वेद और पुराणों ने शास्त्रों ने गाया है। पापी जाकर नाम सुम रही ओ अति अपार भव सागर तरही। कैसा भी पापी हो जिसका नाम स्वर्ण कर मात्र से पार हो जाता। इन्होंने हमारे स्वामी का नाम जपा है। नाम की